ओके देखिए मैं काफी समय से सोशल मीडिया पे अपने विचार रखती हूँ. मेरे विचार काफी देश के हित में होते हैं. मेरे विचार होते हैं अपने देश के इतिहास को समझने के लिए. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं एक अभिनेत्री हूं एज अ प्रोफेशन, मगर मुझे लगता है एज अ हिंदू, एज अ भारतीय हिंदू, मुझे मेरे इतिहास के बारे में बहुत नहीं पता. तो वो समझने के प्रयास में कुछ महीनों से मैं लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, घटनाओं के बारे में बोलती हूं. अब एक मेरा वीडियो था जिसमें हम मोतीलाल नेहरू जी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे. वो वीडियो के अंदर मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये मैं एक किताब से लेकर बोल रही हूँ. एमओ मथाई जी की किताब थी जो पंडित नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके सेक्रेटरी थे. तो मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी वो उस दौरान पढ़ी जिस दौरान ट्रिपल तलाक बिल पास होना था राज्यसभा में. वो वीडियो बनाया गया सितंबर या अक्टूबर में, जिस दौरान ये चर्चा चल रही थी. एंड कांग्रेस, जो हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, इस बिल का विरोध कर रही थी. एज अ महिला, एज अ भारतीय नारी, मैं समझना चाहती थी कि क्यों कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जो कहती है कि वो महिला हित में काम करती है, वो ये बिल को पास नहीं होने दे रही थी, क्योंकि ये बिल से भारतीय मुस्लिम औरतों को बहुत फायदा होता. उनके ऊपर जो अत्याचार होता है इन द मैरिज, वॉट एवर दे गो थ्रू थ्रू ट्रिपल तलाक, वुड बी स्टॉप्ड. अब ये जो बिल था, ये तीन चार महीने पहले, ऑब्वियसली ये जब वीडियो बना उस दौरान बना, उसके बाद मैंने सुना कि मेरे नाम पर एक FIR हो गई है. और वो FIR के अंदर बहुत पॉइंट्स रखे गए, जिस पॉइंट्स के अंदर कहा गया कि ये वीडियो से भारत के रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान से अफेक्ट होते हैं. तो मैं जानना चाहती थी कि किस तरह से अफेक्ट होते हैं. मैंने वो FIR को इतना सीरियसली नहीं लिया, बट लिया सीरियसली जब राजस्थान पुलिस मेरे घर पर आई. आई थिंक नवंबर एंड में आई, संग्राम जी, नवंबर एंड में आई. एंड वो एक दिन पहले मुंबई गई और उसी दिन के नेक्स्ट दिन वो अहमदाबाद आई, क्योंकि संग्राम जी को वो मुंबई में मिले. और संग्राम जी ने खुद राजस्थान पुलिस को बोला कि पायल मुंबई में नहीं है, पायल अहमदाबाद में है. तो जिस इंसान ने खुद मेरा एड्रेस दिया है राजस्थान पुलिस को, वो ऑब्वियसली एक मैसेज सेंड कर रहा है कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, संग्राम जी और मैं. जिसने ऑब्वियसली देखा, मैंने देखा कि अगले दिन पुलिस एज यू केम टू माय हाउस वेरी प्रॉम्प्टली एज इफ आई हैव कमिटेड अ क्राइम, सेइंग दैट ये FIR के ऊपर उनको मुझे नोटिस देना है. उन्होंने जो सम्मन्स बॉम्बे में दिए थे, वो सम्मन्स का जवाब लेके मैं बैठी थी अहमदाबाद में. एंड वो जवाब हिंदी में था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन हो, क्योंकि मैं ज्यादातर इंग्लिश में सोचती हूँ, क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और मुझे कहा गया है कि वो एक सही माध्यम है. जब मेरे को अभी लगता है कि हिंदी में बातचीत करना सही होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ईजी और हमारी मातृभाषा है. इसके तो मैंने अपना जवाब हिंदी में दिया, सो दैट वहां के पुलिस अफसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. हमारे पास रिसीविंग हुई वो कागज की, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई गलतफहमी नहीं हो. उसके बाद पुलिस चली जाती है. अब मैंने देखा कि 10 दिन के बाद कुछ फिर से मूवमेंट होती है, कि वो चाहते थे कि हम बूंदी आए. तो हमने फिर से ईमेल पे उनको जवाब दिया. जवाब में हमने स्पष्ट किया कि कैसे हमें FIR में प्रॉब्लम्स लग रही है, लॉयर्स के साथ कंसल्ट करके, क्योंकि कोई भी तरह से इतने महीनों में कोई भी रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान के साथ खराब नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ माई वीडियो. कोई दंगे नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ माई वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो में क्लियरली खाली एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी, वो भी मेरे विचार नहीं थे, एक थर्ड पार्टी विचार थे. उसके बावजूद पुलिस के का एक प्रेशर था कि हम बूंदी आए, तो हमने हमारे लॉयर्स के साथ ये डिस्कस किया और लॉयर ने हमें बोला कि आप एंटिसिपेटरी बेल लेकर ही बूंदी जाएंगे. जब हमारी बेल की अर्जी गई ऑन थर्सडे टू बूंदी, फ्राइडे को पुलिस वॉज सपोज टू सबमिट द केस डायरी रिलेटेड टू द केस. उन्होंने वो पुलिस डायरी सबमिट नहीं करी. एंड मंडे को हमारी बेल की हियरिंग थी, वो संडे को मुझे मेरे घर अहमदाबाद से पिकअप करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, विच इज आई थिंक नॉट डन. एंड मैं 12 घंटे ट्रेवल करती हूं और मुझे कोटा पुलिस थाने में
रखते हैं फॉर द नाइट, जबकि मेरा तभी डिटेंशन हुआ था, मगर मैं एज अ भारतीय नागरिक समझ नहीं पाई थी कि क्या हुआ है. एंड मैं अकेले लाई गई एंड मुझे वो पुलिस स्टेशन में रखा गया फॉर द नाइट, विच इज रॉन्ग, क्योंकि जब मैं डिटेंशन में हूं मेरे पास राइट है टू बी इन अ होटल विद समबडी हु इज माई गार्डियन. उसके बाद ऑब्वियसली अगले दिन मुझे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में मेरी बेल खारिज की गई. दिस इज माय साइड ऑफ द स्टोरी. संग्राम जी हैज बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट बिकॉज वो एक पहलवान है मगर एक सिंपल इंसान है, और हम एज अ भारतीय नागरिक काफी कंफ्यूज थे कि क्यों हमें इतना एग्रेसिवली फॉलो किया जा रहा था ओवर दिस सोशल मीडिया वीडियो. अब मैं देखिए, अब छोटी सी बात बताता हूं मैं. आई वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस, मैं पहले दिल्ली पुलिस में था, तो ये तो कोई FIR बनती नहीं. देखियो, वीडियो बनाना किसी के लिए गलत है, मैं भी बोल रहा हूँ गलत है, मगर अपराध नहीं है. क्योंकि वीडियो बनाना नहीं, देखियो किसी के ऊपर वीडियो बनाना गलत है मगर अपराध नहीं है, मैं कह रहा हूँ. देखो सुनो पायल, आई टेल यू. अब मान लो किसी के लिए XYZ के लिए बोलते हैं, शायद उनको बुरा लगा, चलो भैया गलत हो गया, मगर अपराध नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो है. तो इस मामले को FIR दर्ज हो ही नहीं सकती जो FIR दर्ज की थी उन्होंने, एज ए मतलब पुलिस के उससे भी. फिर वो जो पुलिस वाले आते थे, मिलते थे, बोलते थे हमारे ऊपर प्रेशर है, फिर एक फोन कॉल हमारे पास आती है जिसमें ऊपर से जो कांग्रेस हेडक्वार्टर से फोन आता है आपके CM के पास, CM का फोन जाता है इनके पास. वो एक बाकायदा एक मतलब किसी का नोट आया मेरे पास, और उसमें जिसकी आवाज थी, एक मेरा नोन था, मैं चाहता नहीं था कि उस पर कुछ बात आए. तो फिर नॉर्मली होते हुए फिर मैंने देखा कि राजस्थान में कितने मुद्दे हैं, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा अब इंडिया का सबसे बड़ा मतलब स्टेट है फिलहाल, मतलब